नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का हमें चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि आज सुबह कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। तो इस वक्त हमारे साथ रूपा जी जुड़ी हुई, आई उनसे जान लेते हैं कि आज नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं आज सोना चांदी एक बार फिर से बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर। सोना एक बार फिर से 1828 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या सोना यहाँ से $1850 का भी लेवल दिखला पाएगा? देखिए, अभी सोने में एक बार फिर से मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली सोने के अंदर एक बार तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। और जिस तरीके से अभी बाजार रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके चलते आगे पॉजिटिव ही संकेत है। दुनिया के सेंट्रल बैंक दरें बढ़ाने की फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है और उधर भारत में अभी जो है शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो मुझे लगता है कि इससे सोने की चमक बढ़ सकती है, यानी कि इसकी खरीदारी में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं डॉलर में भी स्ट्रेंथ आ रही है जिसकी वजह से डॉलर में कमजोरी है जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। यूएस की 10 साल ट्रेजरी यील्ड भी एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चीन के मजबूत एक्सपोर्ट डाटा से भी सोने को सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से सोना $1800 के ऊपर यानी $1820 के ऊपर भी सस्टेन होता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से $1840 से $1860 तक का स्तर जो है संभव है, बाजारों में देखने को मिल सकता है। और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि सोना एक बार फिर से 50,000 तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। नजर डाले अगर कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर तो देखने कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, कच्चे तेल एक बार फिर से तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर कारोबार कर रहा है और WTI $84 पर। रूपा जी आपको क्या लगता है क्या एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए क्रूड में भी लगातार तेजी इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है और डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्लोबल डिमांड में इजाफा देखने को मिला है और सप्लाई तंग है। यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल पास हुआ है जिसके चलते क्रूड को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है और चीन का जो एक्सपोर्ट डाटा निकल कर आया वो भी काफी मजबूत है, उससे भी क्रूड को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रूड में तो फिलहाल तेजी ही है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $85 WTI मेरे को लगता है कि वो जा सकता है और इनफैक्ट उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आई तो वापस से लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में आज इंट्राडे में भी 6280 से लेकर 6320 तक के स्तर संभव है, बाजार दिखला सकता है। आज एक अच्छी खासी तेजी क्रूड में आते हुए दिखाई दे सकती है। जी ये सर ऊपर जी नजर डालें अगर बेस मेटल्स की कीमतों के ऊपर तो मैंने बीते सत्र में निकल को 10 साल के हाई पर जाते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि सारे के सारे बेस मेटल्स का बाजार एक लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से बेस मेटल्स की डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है तो क्या बेस मेटल्स की कीमतों के अंदर भी एक और अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल, जो अभी बेस मेटल्स का आउटलुक है वो भी काफी पॉजिटिव है, जैसे कि निकल में हमने तेजी देखी क्योंकि फिलीपींस के अंदर निकल के प्रोडक्शन में कमी आई है और ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन बेसिस पे 23% की गिरावट जो है इसके प्रोडक्शन में देखने को मिल रही है जिसके चलते सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो उधर से चीन से भी डाटा अच्छा निकल कर आ रहा है जिससे कॉपर को सपोर्ट मिला है, कॉपर की अपनी इन्वेंट्री में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है, तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बेस मेटल्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बिल्डअप होगा इसकी डिमांड जो है और इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो जो भी ये गिरावट आ रही है ये एक मुनाफा वसूली आप कह सकते हो ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले दिनों में बेस मेटल्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है आप खरीदारी करके चले तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।